हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिता के किचन से। फ्रेंड्स, आज मैं आलू मूंग दाल वड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए मैंने आधा कप मेजिंग वाले कप से मूंग की दाल, धुली हुई मूंग की दाल भिगोकर अच्छे से वॉश कर एक मिक्सी के जार में डाल दिया है। इस दाल के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब इसमें हम अदरक के छोटे छोटे पीसेस करके डालेंगे, इससे फ्लेवर और स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। इसको बंद कर देंगे और इसको पीस लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं अगर आपकी मिक्सी नहीं चलती है। यहाँ पर मैंने चार मीडियम साइज़ के आलू को इस तरीके से छील कर कट कर लिया, जिस तरीके से हम चिप्स कट करते हैं। इसमें फोक की मदद से इस तरीके से होल कर देंगे सारे चिप्स के अंदर। अब हम पेस्ट में डालेंगे नमक और धनिया पाउडर, गरम मसाला, इसमें आप हींग भी डाल सकते हैं, और इसमें हम डालेंगे आमचूर पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। आप दाल का टेक्सचर देख सकते हैं, इसी तरीके की आपको दाल रखनी है, और चाहे तो आप इसके अंदर हींग भी डाल सकते हैं। तो ये अच्छे से मैं इसको मिक्स कर देती हूँ, और ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। आप बच्चों के टिफ़िन में इसको बनाकर दे सकते हैं, सुबह की चाय या फिर शाम की चाय में आप इसको बना सकते हैं, आलू मूंग दाल वड़ा। ये मिक्स हो गया है। अब आलू लेंगे हम, और थोड़ा सा पेस्ट इस तरह से आलू के ऊपर हम रखेंगे। ये आप देख सकते हैं वीडियो में, जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी तरीके से करें। फोक की मदद से होल कर देंगे ताकि ज़्यादा ऑयल इनके अंदर ना भरे। अब हम यहाँ पर कुकिंग ऑयल लेंगे, ऑयल को गर्म कर लेंगे, और ये जो आलू मूंग दाल वड़ा है इसको इस तरीके से पेस्ट की तरफ से हम इसको डालेंगे। जिस तरफ से पेस्ट लगा है उसी तरफ से हम ऑयल के अंदर डालेंगे, और इनको गोल्डन सुनहरा होने तक धीमी आंच में पकाएंगे, ताकि जो हमारी दाल है वो भी अच्छे से पक जाए। इसलिए इसको धीमी आंच में हमें पकाना है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसको हम पलट लेंगे और आलू की तरफ से भी इसको हम पका लेंगे। दोनों तरफ से उलट पुलट कर गोल्डन ब्राउन कलर कर लेंगे। बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, और ये पक भी गए हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके का आपको कलर रखना है। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। इसको आप गरम चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, या फिर हरी चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, टमाटो केचप के साथ भी आप इनको इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी लगते हैं। तो ये मैंने निकाल लिया है इस तरीके से, और अब इनको हम प्लेट में सर्व करेंगे। अब यहाँ पर मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है टमाटो केचप के साथ। तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। मैं फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।